देखिए, जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। इसी दिन भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। उनका प्राकट्य हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी जन्म हुआ था अष्टमी तिथि को, इसीलिए इसको जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, इसीलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति, आयु की प्राप्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना करके कोई भी व्यक्ति अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वो जन्माष्टमी पर अगर विशेष पूजा करें, अगर भगवान कृष्ण की आराधना करें, तो वो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा, उनका विशेष आशीर्वाद निश्चित रूप से पा सकते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वृषभ लग्न में और वृषभ राशि में। नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र, इसीलिए जन्म का उत्सव मनाया जाता है अष्टमी तिथि जब मध्य रात्रि में हो, वृषभ लग्न हो और वृषभ राशि हो। इस बार अष्टमी तिथि 6 सितंबर को शुरू हुई, दोपहर में 3:38 पर आरंभ हो चुकी है और ये 7 सितंबर को शाम को 4:14 पर समाप्त होगी। आज पूरी रात भर रोहिणी नक्षत्र विद्यमान रहेगा, यानी 6 और 7 की दरमियानी रात को रोहिणी नक्षत्र रहेगा। अब आज जो जन्माष्टमी की पूजा का समय होगा वो मध्य रात्रि में 11:56 से 12:42 तक रहेगा। इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्म होगा और उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जो लोग वैष्णव परंपरा के सन्यासी हैं वो लोग उदया तिथि से जन्माष्टमी मनाते हैं और उदया तिथि से जन्माष्टमी मनाने वाले लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। लेकिन अगर हम तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो आज मध्य रात्रि में ही जन्माष्टमी मनाना उचित होगा। देखिए, भगवान कृष्ण की एक धातु की प्रतिमा लेनी है आपको मध्य रात्रि में, आज उसे किसी पात्र में रखना है। उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा यानी शक्कर से और अंत में घी से स्नान करवाना है। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद जल से स्नान करवाना है और ध्यान रखिए कि जो चीजें आप उनको अर्पित करेंगे वो चीजें शंख में डालकर अर्पित की जाएंगी। इसके बाद पीतांबर, फूल और प्रसाद अर्पित करिए और इसके बाद भगवान को झूले में बैठा करके झूला झुलाइएगा। झूला झुलाते समय प्रेम से अपनी कामना, अपनी प्रार्थना भगवान कृष्ण से कहिएगा, आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। देखिए, भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करना इतना आसान काम है नहीं। तमाम पुराण, तमाम ग्रंथ लिख दिए जाएं, फिर भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोशिश हम करते हैं उनके व्यक्तित्व की विशेष बातें बताने की। भगवान कृष्ण को नारायण का, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु
अपने इस अवतार में 16 कला संपन्न थे, यानी संपूर्ण रूप से जो उन्होंने अवतार लिया वो अवतार था भगवान कृष्ण का। कृष्ण का अर्थ होता है सृष्टि को आकर्षित करने वाला, कर्षयति इति कृष्णः, जो सृष्टि को आकर्षित करे वो कृष्ण है। और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारी सृष्टि को अपनी तरफ आकर्षित किया है। ये अलग अलग स्वरूपों में भक्तों के निकट गए और उनकी मनोकामनाएं पूरी की। कहीं पर वो गए संरक्षक के रूप में, कहीं गए मार्गदर्शक के रूप में, कहीं पुत्र, कहीं पति, कहीं रिश्तेदार, कहीं संबंधी, बहुत सारे स्वरूपों में लोगों से जुड़े। इन सब स्वरूपों में उनका मित्र का स्वरूप सबसे ज्यादा निकट माना गया और सबसे ज्यादा निकट समझा गया। वैसे तो भगवान की भक्ति करने के अलग अलग भाव हैं, दास्य भाव है, सखा भाव है, भक्त भाव है, बहुत सारे भाव हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का जो मित्रता का भाव है, जो सखा भाव है, उसे बड़ा कीमती और बड़ा पवित्र माना जाता है। आज भी अपने जन्म के लगभग 5,500 साल बाद भी भगवान कृष्ण मित्रता के आदर्श समझे जाते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने वैसे तो हर संबंध बड़ी सुदृढ़ता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया है, लेकिन जिस तरह से मित्रता के संबंध की बात है, उसी संबंध ने इस सृष्टि को भगवद गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ भी दिया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ, उद्धव के साथ और सुदामा के साथ मित्र का संबंध रखा है। उद्धव के साथ उनकी मित्रता के कारण जीवन का दर्शन मिला है। भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है ना, वो उद्धव और कृष्ण के संवाद में आपको मिलेगा। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, सूरदास जी महाराज ने लिखा है ना, उद्धव के साथ उनके जो संबंध हैं वो कैसे भक्त और उसके प्रेम के बारे में बताते हैं। सुदामा को उन्होंने मित्रता में ही संपन्नता दे दी, और अर्जुन के साथ मित्रता के कारण सारी दुनिया को गीता का ज्ञान मिला। अर्जुन को वो अपना मित्र मानते थे, और अर्जुन को जब मोह हुआ, अर्जुन जब कंफ्यूज्ड हुआ, अर्जुन जब अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था, तो एक मित्र का धर्म निभाते हुए उन्होंने अर्जुन को गीता जैसा ज्ञान दिया। कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध न केवल भक्ति का कारण बना, बल्कि ज्ञान और मुक्ति का कारण भी बना। देखिए, भगवान कृष्ण ने मित्र के रूप में अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान तो एक मित्र ने मित्र को दिया है, लेकिन वो ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए है। जब आप भगवान कृष्ण को अपना मित्र मान लेते हैं, तो वो ज्ञान आपके लिए पर्सनल हो जाता है। उस ज्ञान को समझना और उस ज्ञान को स्वीकार करना आपके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए जिस संबंध की वजह से इस सृष्टि को मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिला, वो संबंध अपने आप में बड़ा पवित्र है, बड़ा मूल्यवान है। देखिए, भगवान कृष्ण से संबंध जोड़े बिना आप कभी मुक्ति और मोक्ष तक नहीं पहुंचेंगे, और भगवान कृष्ण से संबंध जोड़े बिना आपका जीवन में कल्याण और मंगल भी नहीं हो सकता। तो आप वैसे तो जिस रूप में चाहें आप संबंध जोड़ लें,
लेकिन अगर आप मित्रता स्थापित करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मित्रता के लिए सबसे आवश्यक है ईमानदारी, समर्पण। यानी आपके और आपके मित्र के बीच में कोई पर्दा नहीं होगा, पूरा समर्पण होगा, पूरी ईमानदारी होगी। इसीलिए कृष्ण को मित्र बनाने के लिए जीवन में ईमानदार बनिए। अपनी सारी समस्याएं, अपने दुख, अपने सुख उनसे मित्र की तरह कहिए। अब आप कहेंगे कि मैं उनके चित्र के सामने या मूर्ति के सामने बैठ करके अपने सुख दुख कहता हूं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। जवाब मिलेगा, एक समय लगेगा उसमें, लेकिन जब आप उनसे कनेक्ट कर जाएंगे उस चित्र के माध्यम से या उस मूर्ति के माध्यम से, आपको जवाब जरूर मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। इसके बाद जब आप अपने सुख दुख उनसे कहते हैं तो आपको अंतर आत्मा में उसका जो भी समाधान मिले उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर अंतरात्मा में आपको समाधान मिल रहा है कि ये कारण है दुख का, इस काम को छोड़ो, तो उस काम को छोड़िएगा। फिर अपनी अकल मत लगाइएगा, जो समाधान मिलता है उस समाधान को स्वीकार करिएगा। और कृष्ण की जब मित्रता स्थापित हो जाती है ना, तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण आ जाते हैं। इस गुण का मतलब ये नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करेंगे, आप दूसरों के लिए उससे समस्या पैदा करेंगे या उन शक्तियों का इस्तेमाल गलत करेंगे। अपनी मित्रता का दुरुपयोग मत करिए। अगर कृष्ण जैसी सत्ता आपके मित्र बन गए हैं तो आप उस मित्रता को माध्यम बना के पार हो जाइए, मुक्ति तक पहुंच जाइए। क्योंकि ऐसी मित्रता का मिलना दुर्लभ है, लेकिन अगर आपको ऐसी मित्रता मिल गई है तो आप इस मित्रता को माध्यम बनाइए और जीवन में आगे बढ़ जाइए। आप भगवान कृष्ण को मित्र के रूप में पाना चाहें, स्वामी के रूप में पाना चाहें, प्रेमी के रूप में पाना चाहें, अपने गार्जियन, अपने अभिभावक के रूप में पाना चाहें, उनके साथ जुड़ेंगे कैसे, उनकी उपासना कैसे करेंगे? देखिए, दोनों समय भगवान कृष्ण की उपासना करिएगा, सुबह के समय भी और शाम के समय भी। भगवान कृष्ण को दोनों समय किसी भी सात्विक वस्तु का भोग लगाइएगा, ड्राई फ्रूट का, माखन मिश्री का, फलों का भोग लगाइएगा, लेकिन उसके साथ दो पत्ते तुलसी के जरूर रखिएगा। तुलसी दल अर्पित करना नितांत आवश्यक है। दोनों वेला उनकी कोई भी स्तुति करिए, मधुराष्टक पढ़िए, उनके नाम का जप करिए, उनके महामंत्र का जप करिए, और हर समय उनका नाम मंत्र दोहराते रहिए। खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते कृष्ण 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 करते रहिए, या हरे कृष्ण करते रहिए। हर समय उनका नाम मंत्र दोहराते रहिएगा और अपने आहार को पूरी तरह से सात्विक रखिए। अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहते हैं तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग सख्ती से बंद कर दीजिए। क्योंकि एक तरफ आप उनका मंत्र जपेंगे और दूसरी तरफ तामसिक आहार ग्रहण करेंगे तो आपको किसी तरह का लाभ नहीं हो पाएगा। देखिए, भगवान कृष्ण को गुरु माना जाता है। वैसे तो उनका जीवन एक ब्रज के कृष्ण है, मधुर कृष्ण, एक राजा कृष्ण है और एक है पार्थ सारथी कृष्ण, यानी गुरु कृष्ण। तो कृष्ण की जो परंपरा या जो उनकी मान्यता प्रकट हुई है या जिस वजह से वो जगत गुरु माने जाते हैं, वो भगवत गीता है।
भगवान कृष्ण से अगर जुड़ना चाहते हैं और भगवान कृष्ण को गुरु रूप में पाना चाहते हैं तो भगवद गीता का पाठ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको जब मौका मिले दो श्लोक, चार श्लोक, एक अध्याय, दो अध्याय गीता का पाठ ज़रूर करिए। और जब आपके पास ज़्यादा समय हो तो भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। उसका पाठ करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और आप भगवद गीता का जितना पाठ करेंगे भगवान कृष्ण से उनके शिष्य के रूप में, उनके मित्र के रूप में जुड़ेंगे और आपका कल्याण अवश्य होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।